हेलो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को खुद का हेड मसाज कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगी। और इस वीडियो को देखना ना भूलें, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जैसे घर में बैठे बैठे भी आप हेड मसाज कर सकते हो। आजकल क्या होता है, बहुत से बाल खराब हो रहे, जड़ों में तेल नहीं पहुंच पाता, इसीलिए आप आराम से अपने घर में बैठ के भी हेड मसाज कर सकते हो। सबसे पहले जैसे आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे तो ये आप ऐसे टॉवल आप यहाँ अपने कपड़ों में ऐसे करके बिछा लीजिए, ऐसे जैसे कि तेल ना गिरे कपड़ों में। ये हमने ऐसा डाल दिया है ये चीज। और उसके बाद हम नारियल के तेल से हेड मसाज करेंगे। ये हमने तेल डाल दिया है और इसमें एक कॉटन चाहिए, ये वाला कॉटन हमने इसमें बॉल में ऐसे करके डाल दिया। और एक शीशा चाहिए और ये कंघी चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको अपना हेड मसाज कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगी। आजकल क्या है, जड़ों में, बालों में, जड़ों में तेल डालना बहुत ही जरूरी है। आजकल क्या होता है, बाल झड़ जाते हैं, इससे तेल तो पहुंचता नहीं है। ऐसे करके मांग निकालते जाइए और कॉटन से आप इसमें जड़ों में तेल लगाइए, ऐसे करके पूरा ये जड़ों में आपका तेल चले जाता है इससे, कॉटन से। फिर ऐसे करके फिर मांग निकालिए, फिर ये ऐसे करके इधर साइड से पलटा लीजिए। ऐसे करते हुए पूरे बालों में आपको अच्छे से तेल लगाना है, जड़ों में। ये लगा लिया है, फिर इस साइड से पूरे जैसे हम मांग से ऐसे करके निकालेंगे तो क्या होता है, हर जड़ों में आपका एक एक जड़ों में तेल पहुंच जाएगा आराम से। ये फिर इसी साइड से ऐसे करके फिर हम इस साइड से शुरू करेंगे। और पूरे जड़ों में आपको इसी तरफ ही तेल लगाना है। आप फिर पीछे की साइड तेल लगाइए, पीछे की साइड भी आपको अपने हिसाब से ही तेल लगाना पड़ेगा। पूरे बालों में अच्छे से ही तेल लगाना पड़ेगा आपको। ये हमारा पूरा तेल लग गया अच्छे से। अब हमें क्या करना है, जिस जगह से आपने पहले शुरुआत में निकाल के लगाया था उसी जगह आप ये तीन उंगलियों से जड़ों में ऐसे करके मसाज कीजिए। आप उंगलियों से भी कर सकते हो, मांग निकाल सकते हो, और कंघी के द्वारा भी आप कर सकते हो। फिर इस जगह से आप निकालिए, फिर आप पीछे की साइड करिए। फिर इस साइड का आप करिए। पूरा पीछे और आगे पूरे अच्छे से आपको मसाज करनी है।
हमारा दो स्टेप शुरू खत्म हो गए हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माथे में मसाज कर लेंगे जिससे कि आंखों के जड़ों में आपका चले जाए, और हल्का सा पॉइंट के सामने हल्का सा आपको दबाना है और कानों के सामने दबाना है, पीछे से जाते हुए गर्दन के सामने जो पीछे का हिस्सा होता है उसको दबाना है अच्छे से ऊपर की तरफ। और उसके बाद थर्ड स्टेप आपका नेल्स वाला रहेगा, दोनों हाथों से नेल्स से आप आराम से ऐसे से कर सकते हैं, बिल्कुल नाखून नाखून टच होने चाहिए। फिर उसके बाद माथा, माथे के बाद आंखों के सामने यहाँ रिलैक्स के लिए आपको प्रेशर देना है, और कानों के सामने प्रेशर देना है, और पीछे से दबाना है। ये हमारे थर्ड स्टेप खत्म। फोर्थ स्टेप, आप हाथों को ऐसे करके बांध के पीछे की तरफ ऐसे करना है, इससे भी बहुत सा अच्छा सा रिलैक्स मिलता है। उसके बाद माथा, आंख के सामने प्रेशर, कान के सामने प्रेशर, पीछे से गुद्दी, इससे बहुत सा अच्छा रिलैक्स मिलता है। उसके बाद पूरे बालों को आप हथेली में लेकर इस जगह में ऐसे करके आपको दबाना है। फोर्थ स्टेप हमारे खत्म हो गए, और उसके बाद हमें करना है चुटकी वाला स्टेप, इसको ऐसे से। उसके बाद माथा, इसको आप हर स्टेप में भी कर सकते हो, एक से दो बार भी कर सकते हो। फिर उसके बाद हथेली वाला स्टेप, पूरे हाथों को ऐसे निकाल के बाहर, तब हथेली से ऐसे करना आपको। फिर इस जगह में आपको कानों के सामने में रिलैक्स के लिए आपको प्रेशर देना है इस जगह में, और इन्हीं जगहों में ऐसे करते हुए आपको रिलैक्स के लिए प्रेशर देना है बालों में, जो कि जड़ों में आपका तेल चले जाए और जिससे आपके रोम छिद्र भी खुले, थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा आपको, बहुत ही अच्छा लगता है रिलैक्स से। दोनों हाथों को ऐसे जोड़कर ये अंगूठों से प्रेशर देना है आपको। फिर आगे ये साइड जाएंगे तो ये उंगलियों से प्रेशर देंगे, और उसके बाद बालों को पूरा हल्के से लेकर ऊपर की तरफ और जूड़े को बना के अच्छे से ऐसे करके रिलैक्स दीजिए। ये हमारा वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।